हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? एक्चुअली आज मैं कुछ नया पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिखाने नहीं आया हूँ, बस कुछ बात करनी थी कि आप सबको पता होगा हमने अपने YouTube चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है, काफी दिन हो गए वैसे तो, जिसमें हर रोज हम एक नए टॉपिक पे एक अप्लाइड मैथ का वीडियो और एक प्योर मैथ का क्लासरूम वीडियो रोज अपलोड कर रहे हैं। आप लोग उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, ये काफी अच्छा लगता है, मोटिवेशन देता है। पर बीच में वहीं कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें से सबसे मेन है कि नया कंटेंट, नई वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। बहुत ऑब्वियस कारण है इसका, सबको पता है नया कंटेंट कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। पर जहां तक उन वीडियोस की बात है, इसका शायद हम ये नहीं क्लियर कर पाए आप लोगों तक कि हमने ये सीरीज क्यों शुरू की। अक्सर क्लास में या सेमिनार में ये बच्चे रेगुलर क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई पूछता ही है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो। तो उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो वीडियोस जो अब हम सेल नहीं कर रहे हैं या थोड़े से पुराने हो गए हैं, क्यों ना हम उनको यूट्यूब पे सबके लिए फ्री में अवेलेबल कर दें, ओपन कर दें, ताकि हर कोई सीख सके। जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उन तक पहुंच जाएं, बस यही एक मकसद था, हेल्प करना। ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस काम के नहीं। आज से 2 या 3 साल पहले तक हम उन्हीं वीडियोस को ही DLP प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, उसमें उन्हीं वीडियोस को सेल करते रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट पे, और बच्चे उनको खरीदते थे, उन्हीं से सीखते थे, अपने एग्जाम क्लियर करते थे, DLP प्रोग्राम्स में भी अच्छे रैंक लेके आते थे। सीखना उसका मेन मकसद होना चाहिए, आपको सीखने को कुछ कहीं से भी मिले वहीं से सीखना चाहिए। इन वीडियोस को उन दोस्तों तक शेयर करो जिन्हें आपको लगता है इनकी बहुत जरूरत है। जहां तक नए कंटेंट की काम बात है, हम इस चैनल पे अब लगातार रेगुलर एक्टिव रहने वाले हैं, और इस आपने ये नोटिस भी किया होगा काफी दिन से, क्वेश्चन डिस्कशंस वीडियोस, टॉपिक डिस्कशन वीडियोस, नए वाले ये सब अब इस चैनल पे आता रहेगा, और बीच बीच में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइव क्लासेस भी होती रहेंगी। तो उन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फिलहाल सीखने पे ध्यान दो, और बस यही बात करनी थी। थैंक यू। खेलने की चीजें हैं नहीं, एनालिसिस में ये हमको जानना होता है, व्हाट इज बाउंडेड सेट, कैसे बोलते हैं सेट बाउंडेड है, व्हाट इट इज बाउंडेड, इट इज बाउंडेड बिलो एंड अबव, दैट मीन्स रादर ऐसे कहने बजाय ऐसे कहा जाए, इट हैज अ पेयर ऑफ अ बाउंड, अपर एंड लोअर बाउंड, यस सेइंग समथिंग, ऑलवेज हैप्पी। ऐसा बच्चा क्लास में तो हम 5-7 दिन लगाकर पढ़ा सकते हैं विदाउट गैप, ऑलवेज हैप्पी ना, दिखता है फेस पे कि हम, पता नहीं कुछ और बात पे हैप्पी होता अलग बात है, मुझे लग रहा है इसी पे हैप्पी है, मैथ्स पे है तो ठीक है, ऑलवेज हैप्पी। सो बाउंडेड सेट, देखिए ना, बर्ड व्यू जो होता है ना टॉपिक का, वो जानना होता है हमको। पॉइंट सेट टॉपोलॉजी में हम ये जो टर्म्स इकट्ठे कर रहे हैं, दे आर फॉर लेटर यूज फॉर लिमिट, कॉन्टिन्यू, डिफरेंसिबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, और इवन सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर्स एंड ऑफ फंक्शंस, देन रीमान, और हर जगह इनका टर्म यूज होता है। जो प्रॉपर्टीज है ना, आप सीधे नहीं बोल सकते, जैसे बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने 11th-12th में कि डेरिवेटिव जीरो, फंक्शन कॉन्स्टेंट, ऐसा पढ़ा था ना, डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है ना, हमेशा नहीं होता, जब डोमेन कनेक्टेड होगा तब होगा, ठीक है। पूरा कॉम्प्लेक्स इस बात पे टिका होता है, कॉम्प्लेक्स में डोमेन का मतलब भी होता है ओपन एंड कनेक्टेड। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डोमेन वर्ड यूज किया जाता है, सी के उस सबसेट के लिए, सी के जो ओपन हो और कनेक्टेड हो, वही डोमेन वर्ड यूज करते हो, स्पेसिफाई कर रखा है, तब वहां पर जाके वो 15-20 थ्योरम जो स्टैंडर्ड थ्योरम्स, पॉपुलर थ्योरम्स हैं, हर बार क्वेश्चन आता है वहां पर कि वो u कांस्टेंट, तो फंक्शन कांस्टेंट, v कांस्टेंट, आर्ग्यूमेंट f कांस्टेंट, मॉड f कांस्टेंट, ये जो सारी कंडीशंस आती हैं, u एंड v लाई ऑन अ लाइन, ऑन अ सर्कल, ऑन अ कर्व, देन f इज कांस्टेंट, इस सब के पीछे यही है कि u x u y इनको जीरो शो करते ही u कांस्टेंट क्लेम होता है, बिकॉज डोमेन इज कनेक्टेड, ठीक है। फंक्शन अगर मेरा क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है तो, और कॉन्टेक्स्ट तो बाउंड होता है, ये हम लोगों ने बहुत छोटे में पढ़ा था। अब उसको उसके पीछे रूल ये कि क्यों होता है उसका क्लोज्ड होना, इंटरवल चूंकि बात करते हैं, इंटरवल क्लोज और ओपन एक अलग कॉन्सेप्ट हम जानते हैं,
फिर लिमिट पॉइंट, बाउंडेड, ये सब अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। जो क्लोज इंटरवल है उसकी खासियत क्या है कि वो क्लोज के साथ साथ वो है, वो बाउंडेड भी हो जाता है, ठीक है, और क्लोज, और वो क्लोज सेट भी बन जाता है। जो क्लोज इंटरवल है वो बाउंडेड भी है और क्लोज सेट भी है, तो फिर वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब इन सारे टर्म्स को आपको, जैसे पिछले क्लास में कुछ बच्चों ने कहा था कि अब थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, स्लो पढ़ाना कहीं ज्यादा आसान काम है। बाउंडेड सेट, इसके बारे में आपके पास कुछ इसमें टर्म्स आने चाहिए, खास तौर से ध्यान देना चाहिए। आर और फाई के बाद एक तरफ अलग कर देते हैं उसको। व्हाट इज बाउंडेड सेट, इसको जैसे दिमाग में आएगा आपके, तो तीन चार टर्म दिमाग में आते हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम एंड इन्फिमम, है ना। अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फिमम। नो रियल नंबर, अगर आपको अपर बाउंड की बात करनी है, अपर बाउंड ऑफ एस, इसका मतलब कोई भी ऐसा बीटा कि जो ये कंडीशन होल्ड कर दे कि एक्स इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू बीटा, या तो ये कहो या एक्स इज नेवर ग्रेटर देन बीटा। अगर एक्स मेरा एस को बिलोंग कर रहा है तो उसको बीटा से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसकी हेल्प से हमको एक ये ज्ञान मिलता है कि जो फाई सेट है, एम्प्टी सेट है, हर रियल नंबर इसका अपर बाउंड है, कोई भी इसका कोई मेंबर इससे बड़ा नहीं है। नो मेंबर ऑफ एम्प्टी सेट कैन बी मोर देन बीटा, व्हाट एवर बीटा यू चूज, मींस एवरी रियल नंबर इज अपर बाउंड। ऐसी लोअर बाउंड, कि लोअर बाउंड क्या होता है कि अगर ये अल्फा है तो एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा, और अगर एक्स एस को बिलोंग कर रहा है, इफ यहां पर इफ होता है ना, इफ एक्स बिलोंग, देन एक्स शुड नॉट बी लेस देन अल्फा। और यहां से ये भी मिल गया कि एम्प्टी सेट का हर रियल नंबर क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, हर रियल नंबर अपर बाउंड हो गया। अब जैसे ही एक भी पेयर मिलेगा लोअर एंड अपर बाउंड का, किसी भी सेट के लिए एक भी पेयर मिल जाए, एक लोअर मिल जाए एक अपर, दोनों सेम हो तो भी हेडेक नहीं है। द मूवमेंट अ सेट हैज अ पेयर ऑफ अ लोअर एंड एन अपर बाउंड, सेट इज बाउंडेड। इक्वल होने पे वो सिंगलटन हो जाएगा, बट द मूवमेंट देयर इज अ सेट ऑफ लोअर एंड अपर बाउंड, अ पेयर ऑफ लोअर एंड अपर बाउंड, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो मेरा सेट है वो बाउंडेड है। एक बार बाउंडेड कंफर्म कर लेते हैं कि एक पेयर मिल गया, तो एम्प्टी सेट इज बाउंडेड बाय डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्टी सेट इज बाउंडेड बाय डेफिनेशन। आर जेड क्यू एन, आपको डे वन इस पर चर्चा हुई थी कि सबसे पहले जो भी सेट आता है उसको रियल लाइन में प्लेस करने की कोशिश करो, दैट वर्चुअल लाइन कॉल्ड रियल लाइन, सेंटर जीरो और वो पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, ये कहां रखते हैं, कैसे प्लेस करते हैं। इफ यू प्लेस द मेंबर्स ऑफ अ गिवन सबसेट ऑफ आर ऑन रियल लाइन एंड नोटिस दैट देर आर टू पोजिशन दैट नंबर्स आर ऑलवेज बिटवीन दीज टू, विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ बाउंडेडनेस, कि इसके बाहर नहीं है, इसके तो अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल गई ना। अब उसके बाद जब एक बार अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल जाती है, मान ली कहीं से भी रैंडमली आपको मिला यहां पर अल्फा यहां बीटा, जब लोअर बाउंड मिल जाती है तो आप राइट जाना शुरू करते हो अमोंग लोअर बाउंड द ग्रेटेस्ट टू सर्च ग्रेटेस्ट। अगर ऐसे बढ़ोगे तो नंबर बड़े हो रहे हैं, आप यहां आ गए और अभी भी ये लोअर बाउंड है तो ये इससे तो बड़ी है, ऐसे बढ़ते जाते हो, और अपर बाउंड के लिए आप लेफ्ट जाते हो उसे छोटा करने के लिए। अगर बीटा अपर बाउंड है, माने थोड़ा सा लेफ्ट गए आप बीटा के, और ये बीटा प्राइम भी अपर बाउंड है, तो नाउ दिस इज पेयर ऑफ अपर बाउंड, द एलिमेंट विल लाई बिटवीन दीज टू, एंड फिर ऐसे ऐसे बिटवीन दीज टू एंड सो ऑन। ऐसे बढ़ते बढ़ते आप क्लेम करते हो कि इसके बाद तो नहीं मिलेगा, जैसे मैं यहां जा रहा हूं थोड़ा सा लेफ्ट राइट जा रहा हूं, देर आर मेंबर विच आर लेफ्ट ऑफ एम, कुछ मेंबर जैसे लेफ्ट आ जाएंगे एम के तो क्या बन जाएंगे, ये फिर लोअर बाउंड नहीं रहेगा, इससे छोटे आ गए, ऐसे यहां पर यहां पहुंच गए आप, तो आप ऐसे बर्थ इधर जाते जाते कहां पहुंच रहे हैं, छोटा करते हुए, तो अमोंग अपर बाउंड इज द लीस्ट वन, अमोंग लोअर बाउंड इट इज द ग्रेटेस्ट वन, दिस एम इज कॉल्ड इनफीमम, दिस कैपिटल एम इज कॉल्ड सुप्रीमम, है ना, इनफीमम सुप्रीमम। अगर एम्प्टी सेट होता तो अभी जैसे आपने कहा टेक एनी रियल नंबर विल बी एन अपर लोअर बाउंड, ऐसे बढ़ते रहिए हमेशा रहेगी, तो सबसे बड़ी कौन सी मिल रही है, कोई नहीं, जब कोई नहीं मिलता तो यहां पर एक साइन यूज किया गया है फॉर एक्सट्रीम राइट, तो सुप्रीमम और इन हम ऐसे आ रहे हैं इन्फीमम की तरफ, तो इन्फीमम एम्प्टी सेट क्या बन गया, प्लस इन्फिनिटी, ऐसे इधर जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेडनेस। उसके बाद आपने एक टर्म, और फिर ये ढूंढते समय आपको सुप्रीम इन्फीमम बहुत तरीके मिलेंगे, यहां भी केवल डेफिनेशन यूज की गई है,
जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना इन्फीम सुप्रीम के ऊपर, किसी देखिए एक तो किसी सेट का सुप्रीम इन्फीम निकालना आसान नहीं है, दिखता जरूर है कि ठीक है सर अपर बाउंड्री देखनी है ना, कई बार उसके लिए नोटेशन होता ही नहीं है, आपके पास उसके लिए नोटेशन ही नहीं है, वो लगेगा कि यार इससे बड़ा नहीं होने वाला, कंफर्म अपर बाउंड मिल जाएगी, बाउंडेड शो हो जाएगा, बट व्हाट एग्जैक्टली सुप्रीम, बिकॉज इट इज द सुप्रीम, यानी यूनिक होता है। जैसे मैंने एक सेट डिस्कस किया, मान लीजिए एस में एलिमेंट ये आ रहे हैं 1+1/1 × 1/2 एंड सो ऑन 1/n, और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो एस में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, देखो एन इक्वल टू वन जब होगा तो यहां तक जाओगे आप 2, एन इक्वल टू 2 रखोगे तो कहां तक जाओगे, ये यहां तक है ना, है ना 2.5, ये भी इसके अंदर आएगा, 3 रखोगे तो ऐसे 2+1/2+1/6, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, कौन लिखेगा गुणा भाग करके, ऐसे से करते जा रहे हो आप, कुछ कर लो, ये जो 1+1/1 × 1/2 × n है ना, हम जब सीक्वेंस सीखे तो इन सब पे और कमांड आता है, कैसे बताते हैं कि ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, आप देख सकते हो कभी भी ये 3 से बड़ा नहीं हो रहा है, जनरली दिखा सकते हैं कि हम क्या करो 1/2 factorial बाद ना, थोड़ा सा आगे 3 factorial बाद, आपको पता है कि 3 factorial इज 6 और 2^3 इज 8, 4 factorial इज 24, अब 2^4 इज 16, इसको भूल जाए अगर हम, इसके बाद ये हमेशा इससे लेस रहेगा, n फैक्टोरियल इज ऑलवेज मोर देन 2^n, सो 1/n factorial इज लेस देन 1/2^n व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, है ना, तो फिर हम लोग क्या करें, 1+1/1 factorial + 1/2 factorial + 1/3 factorial + 1/4 factorial यहां तक, इसके बाद दिस इज ये जो हमारा आ रहा है एंड सो ऑन, दिस इज लेस देन 1+1/1 factorial + 1/2 factorial + 1/ अब 2^4 प्लस 1/2^5 एंड सो ऑन, एन फैक्टोरियल 1/2^n, ऐसे कर सकते हैं। इसका सम निकालना हमारे लिए बड़ा आसान है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है नहीं है, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको इसकी अपर बाउंड मिल गई ना, इस तरह जो भी इसका नंबर होगा होगा तो इसी तरह का नंबर, वो एवरी नंबर इफ एक्स बिलोंग टू एस इंप्लाइज एक्स इज ऑफ दिस फॉर्म एंड आई एम हियर एबल टू क्लेम अपर बाउंड फॉर एक्स, इससे क्या मिल जाएगी, इससे ये प्रूफ तो हो जाएगा एस बाउंडेड अबव है, बिलो तो है क्योंकि पॉजिटिव है हमेशा, तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट अबव भी है, अबव भी है, तो यहां से ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि बाउंडेड अबव है, लेकिन व्हाट इज सुप्रीमम नोबडी नोज, आज तक किसी ने बताया एग्जैक्टली सुप्रीमम क्या है, किसी को नहीं मालूम, बाउंडेड हो गया प्रूफ, जितना क्लोज जाना चाहे पहुंच सकते हैं आप इसमें, मैं जो आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हर चीज को लेकर परेशान नहीं हो जाता, ठीक है यहां तक पहुंच गए, जरा देखिएगा अगर ये टर्म लेंगे तो इसमें 2.5 भी आ गया प्लस 1/6 1/3 factorial वो कितना होगा 1/6.1 और 666 ये क्या हो गया 2. प्लस 1/24 अगला है क्या टर्म 1/4 factorial 1/24 एंड दिस 1/24 इज 0.04 20 + 16 = 96 और फिर बचे 4 फिर 1 आएगा, कम से कम 2 डेट तो ले लें कि इसने 2 तो कम से कम बनता है ना, तो 0.0461 अब यहीं से समझ में आ रहा है, मान लीजिए 7 और ये 1 7 हो जाएगा ये और ये 0 1 हाँ 1 6 यहां से आएगा 1। अच्छा एक चीज यहां पर, ये डिजिट जो 7 और 1 है, अगला टर्म जो है वो 1/120 है जो ऐड होगा, ये आएगा 0.00 something 12 96 008 दैट इज बुझ जाओ ठीक है 2.71
26, अगला नंबर क्या आ रहा है? 0.00, फर्स्ट टू प्लेस आर 0, यहां से तो ज्ञान मिल ही रहा है। अगले नंबर में भी फर्स्ट फ्यू प्लेस विल बी 0, यहां कुछ ऐड नहीं होगा, दैट मींस 2.7 तो पक्का फिक्स हो ही गया ना, इवन 1 भी फिक्स हो गया, क्योंकि यहां पे 0, अगले नंबर में यहां 0 आ जाएगा, तो ये भी चेंज नहीं होने वाला। व्हेन वी स्टार्ट एडिंग द नेक्स्ट नंबर, द फर्स्ट थ्री विल प्लेस विल बी 0, जब ऐड करोगे तो ना तो ये चेंज होगी ना ये चेंज होगी, अगला जो चेंज हो वो 2 में 3 करेगा और क्या करेगा, तब भी 1 चेंज नहीं होने वाला, 2.71 आर फिक्स्ड। अब इससे ये प्रूफ हो गया द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एटलीस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 2.8। इससे तो मतलब दिस 2.8 इज एन अपर बाउंड, 2.72 इज एन अपर बाउंड, 2.72 ऑल द नंबर्स इन दिस आर लेस देन 2.72 और नॉट, क्योंकि ये 1 है, अगले डिजिट में भी ये 1 ये 0 हो सकता है, बट 2 तो कभी नहीं आएगा ना, सो 2.72 इज एन अपर बाउंड। अगली डिजिट और फिक्स कर लो, दैट इज जो भी अगली डिजिट मान लीजिए आ गई 2.71, कौन बताएगा, ठीक है। इफ नेक्स्ट डिजिट इफ वी फिक्स के 2.71 के, डेफिनेटली 2.71 के प्लस 1 इंक्रीज बाय दिस 1 विल बी एन अपर बाउंड, है ना। बारिश शुरू हो रही है भाई, सर्दी फिर से आ गई है, ठीक है, टी शर्ट में घूम रहे डरा रहा है मेरे को, ठीक है। समझ रहे हैं ना, सो ऐसा कोई ऐसे करते जाओगे ना बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू, हम अपर बाउंड को भी छोटा करते, मतलब जो अमंग अपर बाउंड्स ये छोटा करते आ रहे हैं, पहले 2.72 का आता ना, बट 2.72 से छोटा मालूम कौन है, 2.71 और इसका नेक्स्ट, दैट इज लेस देन 2.72 और नॉट, है ना। ये मान लीजिए अगर 3 था तो 2.714 इज एन अपर बाउंड और नॉट, नो मेंबर ऑफ दिस इज लेस देन दिस इज मोर देन 2.713, इससे तो बड़ा तो कोई होगा भी नहीं इसके अंदर, दिस इज एन अपर बाउंड। अर्लियर क्या था मेरा अपर बाउंड 2.72, ये इससे छोटा है कि नहीं है, अमॉन्ग अपर बाउंड एट दिस, इन दिस वे आई विल कीप ऑन चेंजिंग, सो देयर इज इम्पॉसिबिलिटी टू फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड, दो इट इज बाउंडेड, सो आई कैन प्रूव दिस सेट इज इजिली बाउंडेड, बट आई कैन नॉट फाइंड लीस्ट अपर बाउंड। धीरे धीरे उसको फिर प्रूफ किया जाता है कि जो नंबर आएगा, फिर वो सीक्वेंस जाके प्रूफ करते हैं, दिस सीक्वेंस दे कंसिडर दिस सीक्वेंस एज 1+1/1 एंड सो ऑन 1/n, एंड देन दे प्रूव दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड दैट लिमिट इज सपोज एल, वहां प्रूफ कर पाएंगे हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जेंस ऑल दिस विल बी देयर एंड विल प्रूफ इट इज अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस बाय शोइंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव द मूवमेंट एज आई शोन, एंड देन इसको एक नाम दिया जाएगा ई, और एक नया नंबर प्रकट हुआ ई कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नंबर, दिस इज नेपियर्स कॉन्स्टेंट ई। इसको ऐसे बहुत सारे सिंबल्स कॉइन किए गए हैं विच आर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एंड दे रेफर ट्रांसेंडेंटल नंबर्स लाइक पाई लाइक ई लाइक यूलर कॉन्स्टेंट, ये डिफरेंट है ना गामा, ये ट्रांसेंडेंट नंबर दे आर यूज टू डिनोट द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, मिलते नहीं है, मिल भी नहीं सकते, विल कीप ऑन चेंजिंग, नोबडी नोज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ई और पाई। देयर वाज अ मैथमेटिशियन इन जर्मनी अराउंड 200 ईयर्स बैक, हिज होल लाइफ वॉज एंगेज्ड इन फाइंडिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई अप टू सम प्लेस ऑफ डेसिमल, अप एट दैट टाइम ही फाउंड अप टू 30th प्लेस ऑफ डेसिमल, द करेक्ट द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट अप टू 30th प्लेस ऑफ डेसिमल, एंड दैट वैल्यू इज एनग्रेव्ड, मर गया तो उसको डेडिकेट करने के लिए उसको कौन वो जो भी नहीं हम लोग रिस्पेक्ट करने के लिए उसी उसकी पाई की वैल्यू को एंगेव कर दिया गया उसकी कब्र के ऊपर कि भाई ये आपकी वैल्यू, एंड दैट इज करेक्ट अप टू दैट प्लेस स्टिल दैट इज करेक्ट। तो उन्हें पूरी जिंदगी से निकाल ली है। आपके यहां एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में टू फाइंड वैल्यू ऑफ ई बाय दिस मेथड,
हाउ मेनी एन नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड सो दैट द वैल्यू इज करेक्ट अप टू सम प्लेस ऑफ डेसिमल. कितना एन इस्तेमाल करूं, व्हाट शुड बी द एन. द वैल्यू ऑफ ई इज करेक्ट अप टू से एट्थ प्लेस ऑफ डेसिमल. द एग्जाम्पल इज बाय एस एस शास्त्री. द करेक्ट वैल्यू ऑफ ई इज करेक्ट अप टू एट्थ प्लेस ऑफ डेसिमल. सो व्हाट वी यूज, आपको पता है ये एड करता हूं तो गड़बड़ होता है. चेंज कौन करता है, 1 बाय एन फैक्टोरियल. जैसे ये एड होता है चेंजेस द प्लेसेस. सो इफ आई वॉन्ट टू फिक्स द एट्थ पोजिशन, अगर करेक्ट अप टू एट्थ प्लेस ऑफ डेसिमल तो आठवीं पोजिशन में चेंज नहीं आना चाहिए. सो इफ 1 बाय एन फैक्टोरियल इज लेस देन 0.5, डेसिमल रूल आता है जो 0.5 से लेस होना, 0.5 इंटू 10^-8. यू सॉल्व दिस, यू विल गेट दैट एन विच विल गिव यू द करेक्ट वैल्यू अप टू एट्थ प्लेस ऑफ डेसिमल. 1 बाय एन फैक्टोरियल इज लेस देन 0.5 इंटू 10^-8. इसे सॉल्व करोगे आप, मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया कि भाई शास्त्री तो मुझे याद है, सॉल्व नहीं किया, नहीं तो कैलसी है ना, वैल्यू पुट करेंगे अपने आप मिलेगा वहां से. सो एन दैट मीन्स यू गो अप टू 12, दैट विल फिक्स द एट्थ प्लेस. आप उसका कुछ कर लीजिए, एट्थ प्लेस चेंज नहीं होगी. 0.5 से और लेस ले लिया ना हमने, नहीं तो 0.5 की, ये तो आपके ट्रंकेशन रूल जो होते हैं ना, 2.7 1 4 2.7 1 5 2.7 2 6 2.7 2 5, लास्ट डिजिट हटाऊंगा तो क्या होगा इसमें, 2.71 2.72 2.73 and 2.72. है ना, अगर इवन होता है तो छोड़ देते हैं और ऑड होता है तो एक इंक्रीज कर देते हैं. 0.5 इज द डिवाइडिंग फैक्टर कि उसके बाद से उसके लेस में है और में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट डिजिट को क्या करते हैं, इंक्रीज या इक्वल या डिक्रीज, इक्वल या इंक्रीज करते हैं डिपेंडिंग ऑन. लेस देन 5 तो पक्का सेम रहने वाला है, मोर देन 5 पे तो इंक्रीज हो गई होगा, बट इफ इट इज इक्वल टू 5 देन प्रीवियस डिजिट डिसाइड. ये इफ इट इज ऑड देन विल बी इंक्रीज, इफ इवन विल रिमेन सेम. सो यहां पर वो 0.5 इसलिए किया गया था. So to find upper bound is something else than to find supremum. दोनों में फर्क है कि नहीं है. अपर बाउंड हम ऐसे ऐसे गैस कर सकते हैं, बट देन वी थिंक यार और छोटा करते करते जाएं, करते करते मतलब ये नहीं होता कि हम पहुंच ही जाएंगे वहां पर. अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो, तो मुश्किल ही है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको जहां पर मिलता नहीं है अपर बाउंड. बट सी डेफिनेटली वेन दे आर आस्किंग वॉट इज अपर बाउंड तो मिल रहा होगा तभी पूछ रहे होंगे, नहीं तो स्टैंडर्ड नोटेशंस होंगे. ठीक, तो एक तो ये आपको आना चाहिए हाउ टू फाइंड इंटरवल. यू नो जिनको बाद में डिस्कशन हुआ है, इंटरवल ये ए बी, ठीक है, किसकी वहां पर एक कॉन्सेप्ट ये लिया गया है, इफ इंटरवल इज फाइनाइट लेंथ, एवरी सबसेट इज ऑफ एवरी सब इंटरवल इज ऑफ ऑल्सो फाइनाइट लेंथ, द लेंथ ऑफ सब इंटरवल कैन नॉट इंक्रीज दैट ऑफ द इंटरवल इट सेल्फ. ये जो कॉन्सेप्ट जनरलाइज करने के लिए आ गया, वहां पर फाइव को हर इंटरवल का सब इंटरवल बना लिया गया, ठीक है. दूसरा, यू टेक एनी व्हेन यू हैव एन इंटरवल, व्हेन यू हैव एन इंटरवल, फॉर इंटरवल इफ देर इज अल्फा एंड बीटा आर लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ सेट एंड द सेट इज वॉट इंटरवल, द लेंथ ऑफ इंटरवल इज ऑलवेज लेस देन बीटा माइनस अल्फा. तो वहां पर एवरी नंबर इज गोइंग टू बी लाइक टेकन एज इन्फिमम सुप्रीमम, लोअर एंड अपर बाउंड. तो अल्फा इज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, सो अल्फा माइनस अल्फा दैट इज ऑल्सो जीरो. आर में नहीं है ना वो, तो जब डिस्टेंस बताया गया तब तो सुप्रीमम उसमें नहीं लिया. सूप एस इक्वल टू बीटा, इन्फिमम एस इक्वल टू अल्फा, ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, नोटेशन इज रिक्वायर्ड, बट फॉर लेंथ हम बीटा माइनस अल्फा कर रहे हैं. ये आर के एलिमेंट है जिसमें यह ऑपरेशन लगता है. आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी थोड़ी यूज करते हो, दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर कि इनके ऊपर आप ऑपरेशन लगाओ. कॉम्प्लेक्स में नंबर होते हैं, वहां पे इस्तेमाल किया थे बड़े आराम से, वहां तो लिखा जाता है 1/∞=0=0. ये कॉम्प्लेक्स में सुंदर लगता है, रियल में बिल्कुल अच्छा लगता. ये जो हम लोग को बचपन से ये 10π/2=∞ का ये अनर्थ है, जो टेबल में 9th 10th की टेबल जो होती है ना
उसमें यहां पे साइन कॉस और यहां पे पाई टू, यहां पे लिख दिया गया इनफिनिटी। ये एक मतलब परंपरा ही गलत है। कॉम्प्लेक्स में ये तो बहुत सुंदर है, इसको तो बोलते हैं क्वांटिटी ले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में तो ये बताया जाता है और क्वेश्चन भी आया है गेट में, वन अपॉन जेड वेन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो वेन जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वेन जेड इक्वल टू जीरो। दिस एफ इज फ्रॉम सी टू सी एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन सी, एक्सटेंडेड सी रादर, ये एक्सटेंडेड सी में कॉन्टिन्यूअस लिया गया है, जबकि वन अपॉन एक्स को नहीं लिया गया है। इवन इन एक्सटेंडेड सी इट कैन नॉट बी, इन एक्सटेंडेड आर इट कैन नॉट बी, इन एक्सटेंडेड सी इट इज। वहां पे नंबर है इन्फिनिटी और बहुत सुंदर नंबर माना जाता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सो इंटरवल एटसेट्रा ये आप जानते हैं। इसमें जब किसी इंटरवल के इनिफिमम सुप्रीमम आर में से आ रहे हैं तब, और आर में से नहीं आ रहे हैं तब, व्हेन इनिफिमम सुप्रीमम ऑफ अ सेट, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस सुप्रीमम इनिफिमम व्हाट इज नाउ एनी इंटरवल मींस अ सबसेट ऑफ आर, तो इसके भी इनफिनिटी में बात हो सकती है, बाउंडेड की बात हो सकती, नहीं हो सकती है। नाउ व्हेन एन इंटरवल इज बाउंडेड टू केसेस, इट्स इनफिनिटी सुप्रीम आर इन आर और नॉट इन आर। इफ नॉट इन आर मींस एम्प्टी सेट, इफ इन आर देन सर्टेनली नॉन एम्प्टी सेट। भाई इनफिनिटी सुप्रीम अगर आर में नहीं है तो एक ही तरीका हो सकता है, या तो और बाउंडेड भी है सेट तो वो एम्प्टी ही होगा। इफ इट इज नॉन एम्प्टी देन दे हैव टू बी इन आर। सो इन दैट, बिकॉज जैसे ही आपको एक सुप्रीम मिलता है ना, अपर बाउंड मिलती है, तो उसके राइट सारे खत्म हो जाते हैं, इसके इधर ही जाएंगे जो जाएंगे, ऐसे यहां इनके बीच में। अब एक भी नहीं है तो एम्प्टी है, नहीं तो फिर तो मिलेगा मिलेगा, सो नॉन एम्प्टी। और जैसे ही हम लोग कहते हैं कि इनफिनिटी सुप्रीम आर इन आर, वी गेट नोटेशन अल्फा, ये जो ए अल्फा बीटा आए, दिस इज नोटेशन फॉर इंटरवल फाइनेटली और इनफाइनेटली, बट दे आर व्हाट, इनफिनिटी सुप्रीमम। इफ यू राइट ए कॉमा ए, दिस इज एम्प्टी सेट, बट इट डज नॉट इंप्लाय ए एंड ए आर इनफिमम सुप्रीमम ऑफ दे आर नॉट इनफिमम सुप्रीमम, दे आर अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। बाय अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड वी डोंट राइट इंटरवेल। अगर आपको पता है 1.2 एक इंटरवेल है, इसकी लोअर बाउंड तो 4-4 भी है, अपर बाउंड 4 भी है, इसको थोड़ी ये -4 की इक्वल ले सकता हूं, मैं इसको नहीं ले सकता ना। दे आर डिनोट विद द हेल्प ऑफ इनफिमम सुप्रीमम। सो दिस इंप्लाइज फाइ, इंप्लाइज दिस इंप्लाइज फाइ, दिस इज अ सेट फाइ इफ समवन इज राइटिंग दिस फॉर्मेट। ये बहुत कॉमन स्टैंडर्ड है, अदरवाइज एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका यही माना जाता है, यहां माइनस प्लस और यहां माइनस। दिस इज एक्चुअली इंटरवल नोटेशन फॉर एम्प्टी सेट, दिस इज इंटरवल नोटेशन फॉर एम्प्टी सेट। दिस इंप्लाइज इफ यू वॉन्ट टू इंक्लूड ए एंड एक्स, इंक्लूड ए एंड एक्स और ये, और अगर कोई ये भी कर रहा है, ये विचित्र है, ये कल मैं जो चर्चा भी कर रहा था परसों कोई, ये कि यहां से ए इज इंक्लूडेड, अ सेट इन विच ए इज इंक्लूडेड एंड ए इज एक्सक्लूडेड। बट अगर यहां पर ये इसने ही बताया मुझे कि सर ऐसे लिखो तो क्या दिक्कत है कि कोई नंबर ए से बड़ा हो, यही तो कह रहा है ना, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो ए से बड़ा भी हो और छोटा और इक्वल भी हो, नहीं। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि नो सच सेट, नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट, दैट मींस एम्प्टी सेट। यू कैन इंप्लाई इफ यू वांट टू इंप्लाई, बट एज फार एज इंटरवल नोटेशन इज कंसर्न, दीज सिंबल्स आर इनफिमम एंड सुप्रीमम, द डेफिनेशन इज इनफिमम सुप्रीमम, उसकी हेल्प से। तो दिस -4, 4 इट कंटेन्स 1.2 बट नॉट इक्वल टू 1.2 एनीवे। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवल देन टर्म कम्स नेबरहुड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टर्म और इस टर्म पे कहा ये, और देन फाइनली ये भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट, ये मेन है पूरा रेनालिस में, कुछ आए ना ये दिमाग में बैठना है, ये होता है कनेक्टेड या कॉम्पैक्ट या ये। अच्छा इंटरवल के बाद आर में तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, अ सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। आपको कोई सेट पूछा जाए कि वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट, आपको यही देखना होगा कि इट इज एन इंटरवल। फर्स्ट ऑफ ऑल वही, टेक एनी टू पॉइंट फ्रॉम दिस सेट एंड शो ऑल द मेंबर बिटवीन दोज टू पॉइंट आर ऑल्सो इन द सेट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल। इंटरवल के बाद एंड देन कनेक्टेड, अभी नेबरहुड बात करते हैं। नेबरहुड जो कंसेप्ट आया कि एक सेट और एक अल्फा बिलोंग्स टू आर,
और एक सबसेट ऑफ आर, अगर एक डेल्टा ऐसा मिल जाए एनी डेल्टा कि अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इज कंटेन्ड इन एस, जैसे एक सेट बताइए एस इक्वल टू 01 इंटरसेक्शन क्यू ए, एक सेट है ना ये, क्या ये नेबर बने किसी, पहले सेट लेते हैं और फिर देखते हैं किसका नेबरहुड, इसको फील करो कहां है एलिमेंट, ये जीरो ये वन यही के बीच में है, यहां का तो बन ही नहीं सकता, कहां का बनेगा, बनेगा भी तो अंदर कोई पॉइंट होने चाहिए, यहां कोई पॉइंट चूज किया और ये कट लगाया कि ये पूरा के पूरा इसके अंदर आएगा क्या, ए के अंदर नहीं, आर्बिट्री पॉइंट, दिस इज नो बिकॉज इट कंटेन्स ओनली रैशनल बिटवीन दिस टू पॉइंट, जबकि इंटरवल क्या होना चाहिए पूरा ये नेबरहुड के लिए, तो दिस इज ए इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर वन टू ये ए बी है, नाउ एस इक्वल टू ए यूनियन बी, अब यहां से यहां तक के पॉइंट आ गए, क्या एस वन का नेबरहुड है, एस वन जैसे आप जिसका भी बनते उसके ये वन पकड़ा और आपने ये कट लगाना पड़ता है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को एस में होना चाहिए, होगा इधर वाला हिस्सा तो आ जाएगा, इधर के यहां के केवल हमारे रैशनल सी हैं, ये नहीं आएगा ना, दैट मींस एस इज नॉट नेबर ऑफ वन, एस इज नॉट नेबर ऑफ एनी नंबर लेफ्ट ऑफ वन, नॉट इवन वन, ये टू है, टू का भी नेबरहुड नहीं है ये, क्योंकि टू के ये लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा बाहर चला जाएगा, और टू के अलावा और वन के बीच में कोई भी एलिमेंट चूज कर लीजिए, अब ये तो सो दिस एस इज नेबरहुड ऑफ ऑल अल्फा विच बिलोंग्स टू 1, 2 ओपन इंटरवल नेबरहुड, ठीक है, जब कोई पॉइंट किसी सेट के रिस्पेक्ट में उस सेट को एज अ नेबरहुड एक्ट करता है ना, जैसे यहां पर ओपन इंटरवल 01 ओपन इंटरवल 1, 2 ना, एस इक्वल टू 01 इंटरसेक्शन क्यू और यूनियन 1, 2 ये था ना, तो एस इज नेबरहुड ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ओपन 1, 2 तो 1, 2 के भी जितने मेंबर हैं वो सारे इंटीरियर पॉइंट बन गए सेट के, मेंबर तो यहां भी हैं बट दे आर नॉट इंटीरियर पॉइंट, दे आर इंटीरियर पॉइंट, इफ एस इज नेबरहुड ऑफ अल्फा वी से अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, दिस अनदर डेफिनेशन, तो ये एक साथ ही ले सकते हैं, ठीक है, नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट, और उसके बाद आपने पिछले चैप्टर का इस्तेमाल करके नेबरहुड पे और इंटरवल पे कुछ कंडीशंस लगाई थी, जैसे इफ अ सेट एस वांट्स टू बी नेबर ऑफ एनी रियल नंबर और वांट्स टू हैव दैट रियल नंबर एज एन इंटीरियर पॉइंट इट हैज टू बी अनकाउंटेबल, क्योंकि वो इंटरवल लेके आएगा, अदर इज नॉट पॉसिबल, सो काउंटेबल सेट और फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि एक भी इंटीरियर पॉइंट बन गया एक तरीका हो सकता है वो एम्प्टी हो जाए, तो उसके पास सारे इंटीरियर पॉइंट हैं, एक्चुअली कोई भी नहीं है बट कहते हैं सारे इंटीरियर पॉइंट है, सो इफ अ सेट कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट हैज टू बी अनकाउंटेबल, कंफर्म, इंटरवल्स नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल, नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल, जितने भी काउंटेबल सेट्स हो गए नॉन एम्प्टी या एम्प्टी भी, जितने भी काउंटेबल सेट्स हैं दे डोंट हैव एनी इंटीरियर पॉइंट, उनके पास है ही नहीं, कंफर्म, तो जब आपने नेबरहुड डिफाइन किया इंटरवल की हेल्प से सब कुछ किया तो एक टर्म आया ना काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी, इससे साइज मिल गया सेट का कि दीज आर द पॉसिबल सेट्स विच आर एलिजिबल और दीज आर स्पेशली नॉट एलिजिबल, सो क्यू इज नॉट एलिजिबल, जेड इज नॉट एलिजिबल, एन इज नॉट एलिजिबल, एनी फाइन सेट इज नॉट एलिजिबल टू हैव एनी इंटीरियर पॉइंट, डन, तो एक बार इंटीरियर पॉइंट की चर्चा की आपने, एडीपी एसीपी और सीडीपी में कहीं कोई तकलीफ है किसी को भी, व्हाट इज एडीपी, आपने बहुत गुणा भाग में मत जाइए, टर्म समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये इस पे टिका हुआ, ये रियल लाइन, ये जीरो और ये बस, इतने से ये सब होता है, आपको ये हरकत करनी आनी चाहिए ऐसे ऐसे,
ऐसे स्टाइल, ठीक है, ऐसे करते रहिए बस। और फिर ऑब्जर्व क्या करना है ये देखिए, एक सेट का रेफरेंस हो गई होगा, उसके एलिमेंट कहीं भटक रहे होंगे, यामा दे आर स्प्रेड ओवर आर, एक नंबर का रेफरेंस होगा कहीं थ्रू आउट पूरे इसमें, ये तो चलता है, एक सेट, एक अल्फा, ओनली दीज टू थिंग्स। सो द एलिमेंट ऑफ एस आर समवेयर ऑन रियल लाइन, अल्फा इज समवेयर ऑन रियल लाइन प्लेस्ड, एंड देन दिस अल्फा एंड देन दिस। वैसे तो बाहर से छोटे पे आना चाहिए कि ऐसे बाहर जाना, हम ऐसे जा रहे हैं, बट आप एक्चुअली ऐसे देखिए इसको, ठीक है ये। नाउ इन दिस द मोमेंट यू पुट कट लेफ्ट एंड राइट ऑफ अल्फा, दैट मीन्स यू आर चूजिंग डेल्टा, एंड दिस कट गिविंग यू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। एंड नाउ सी द एलिमेंट ऑफ एस, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ एस लाइंग विद इन दिस, सिंपल क्वेश्चन। If you find one delta for which this whole cut जो मिल गया यहां से, this is subset of S, it is interpoint. ADP, this always contains member of S. If whatever delta you choose, this always contains member of S. Suppose this alpha itself is member of S, confirm. ये alpha खुद अगर member है S में तो कुछ कर लीजिए, alpha कभी बाहर जाएगा? This alpha is always in S, so always in this. So the intersection is not empty. Hence alpha is ADP. The definition, whatever delta you choose, if this always contains member of S, maybe alpha itself or maybe any other member, just at least one member, so then alpha minus delta, alpha plus delta intersection S is non-empty. Then alpha is ADP. So ye dekhna ki aa raha hai ki nahi aa raha hai. Complete interval belongs to the, is a subset or it is disjoint. ये दो चीजें हैं ना, दिस इज सबसेट ऑफ एस इंटीरियर पॉइंट एंड दैट इज नेबरहुड, और दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट, एटलीस्ट वन मेंबर, दोनों फर्क समझ आ रहा है ना। जैसे हाँ जी, अगर अल्फा ले लिया तो एक ही एलिमेंट है, इंटरवल बनाना है तो इंटरवल में तो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आता है, बिल्कुल। फिर आप अल्फा एक ही ले लिया तो अल्फा कॉमा अल्फा लेंगे, वो तो क्लोज होना चाहिए ना। अल्फा कॉमा अल्फा कहां से ले रहे हैं हम लोग? एक ही अल्फा ही बनता है सर। नहीं, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इसमें अल्फा है ना, और अल्फा अगर एस का मेंबर होता तो वो तो ओपन इंटर हो रहे हैं। कौन अल्फा इसके अंदर तो है ही ना, ये अल्फा माइनस डेल्टा, ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, और डेल्टा जीरो भी नहीं है, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज नॉट इक्वल टू अल्फा, व्हाई सो, बिकॉज़ डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा इज पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव ले तो इंटरवल बन जाएगा। हाँ, ये होने दो, तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा में कितने एलिमेंट हैं? अनकाउंटेबल, अल्फा है ना, कि अल्फा भी गया, पक्का रहेगा ना अल्फा तो, और अल्फा एस में भी आप लेके चल रहे थे, अगर लेके चल रहे थे इफ, तो इसमें कितने होंगे? हो सकता है एक ही हो अल्फा, बट होंगे तो, दिस इज नॉट अनकाउंटेबल, दिस मे बी सिंगल टन, चलो एस यही है मेरा 1 2 3 और दिस इज एस और ये मेरा 1 है। अब बताओ मैक्सिमम 3 एलिमेंट, डेल्टा इतना बड़ा कर लो कि सब आ जाए उसके अंदर, बट वॉट एवर डेल्टा, नो मैटर हाउ स्मॉल डेल्टा यू चूज, दिस 1 इज ऑलवेज इन देयर और नॉट, सो दिस इज व्हाट, कैन यू राइट दिस इज नॉन एम्प्टी, दिस इंप्लाइज दिस और नॉट? अब ये कह सकते हो क्या कि देन बताइएगा, फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इन एस इज नॉन एम्प्टी, ये इंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, इट मींस 1 इज एन एडीपी, हो रहा है ना? आपका अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट क्या था? हा, डेल्टा नहीं, डेल्टा कभी जीरो नहीं होता, डेल्टा का जीरो होना ही अनर्थ है, ठीक है, पूरे एनालिसिस में डेल्टा कभी जीरो नहीं होता, एप्सिलॉन कभी जीरो नहीं होता, जैसे ही जीरो होने की बात करते हो इसका मतलब आपको लिमिट और जो टर्म है टेंडेंसी वो अभी तक फील नहीं हुआ है। हम लोग की सबसे बड़ी फेलियर क्या है एनालिसिस में, पिछले 7 साल की स्टडीज में ना, वी आर नॉट एबल टू फील द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एग्जैक्टली, करते क्या है वहां पर ना, क्योंकि 12th में लिमिट पढ़ाया गया है और सीक्वेंस पढ़ाया गया बीएससी में, 12th में लिमिट पढ़ाई, वी आर टॉट लिमिट क्वांटिटी एट 12th लेवल, इतने से होते हैं सब छोटे छोटे से,
खैर इतने छोटे भी नहीं होते थे, मतलब छोटे होते थे, तो वहां नहीं समझ में आती थी चीजें, कर लिया। बीएससी में सीक्वेंस पढ़ाया गया, और अनफॉर्चुनेटली सीक्वेंस वाले टॉपिक में भी ना द टर्म टेंडेंसी इज नॉट इलाबरेट एट लेंथ की हम, और कर भी दिया गया तो उसको फिर कंटिन्यूटी और लिमिट इसको बहुत ढंग से गाइड करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। बीएससी कंटेंट ही ऐसा नहीं है कि वहां पर इसका इस्तेमाल करना सिखाया जाए, वहां पर तो कंटिन्यूटी है कि नहीं है। सीक्वेंस अलग, बीएनडब्ल्यू पढ़ लो आप, सीक्वेंस में भी पढ़ लो बीएनडब्ल्यू, ट्रिपल सी पढ़ लो तो काम हो जाता है वहां। सीक्वेंस में और फंक्शन में चले गए तो वहां उसके अपने पैटर्न है, दोनों के एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना कि ये सीक्वेंस को ऐसे इस्तेमाल करना है। आपने कभी नहीं क्वेश्चन किया ये जब एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का ये एल होता है तो ये हो क्या रहा है, वाई एक्स मतलब एक्स ए की तरफ क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या काम है। वैसे तो ये पूछना बड़ा मुश्किल है किसी से, कोई कहां क्यों जा रहा है, यहां तो पूछ सकते हो आप ना कि एक्स ए की तरफ क्यों जा रहा है, हाउ इट इज एलिजिबल, व्हाई इट इज एलिजिबल टू गो देयर। दैट एलिजिबिलिटी इज कंफर्म विथ थ्री कंसेप्ट, वन दिस एंड जो फंक्शन है हमारा उसके, और वो जो कंसेप्ट आता है सीक्वेंस ए एन, एक ये जानना होता है हमको, एक ये जानना। जब ये दोनों जान लेते हैं ना, व्हाट इज एसीपी, व्हाट इज सीक्वेंस एंड देन लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, उन दोनों की हेल्प से फिर ये डिफाइन होता है, तब समझ में आता है कि एक्स ए की तरफ जाता कैसे है। दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट एक्स टेंस टू ए है ना, तो वो है क्या, ये एक्स को कहां जाना है, ए की तरफ। वी विल बी एबल टू ऑब्जेक्टिफाई, ठीक है, ये कैब है, ओला कैब, ठीक है, जिनकी सारी गाड़ियों का नाम सीक्वेंस है, दे ऑल आर गोइंग टू ए सीक्वेंस टेन दे, इट गिव्स यू आइडिया फीलिंग की सीक्वेंस जाती है कहीं ए वन ए टू ए। जिस एक्स को एक जाना था वो एक्स यहां आके बैठ जाता है, उसे कुछ नहीं करना, सीक्वेंस कहां जा रही है, एक्स कहां जाएगा। सो एक्स टेंस टूवर्ड ए थ्रू सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, बट इसको यहां जाने के लिए ए को डोमेन का लिमिट पॉइंट यानी एसीपी होना जरूरी है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर ये बताने के पीछे पॉइंट सेट टोपोलॉजी बताना उतना पर्पस नहीं है मेरा, दैट इज सेपरेटली टॉट, वो कोई ढंग से आपको अलग से पढ़ाया जाता है पूरा, वो मिट्टिक स्पेस और टोपोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहां एट लेंथ इसी पे काम करोगे आप, ठीक है। यहां मुझे सीक्वेंस और एलसीडी पढ़ना है जिसमें ये टर्म इस्तेमाल होते हैं लगातार, ठीक है। तो आपको ये जज करना आना चाहिए व्हाट इज एडीपी, एडीपी इस्तेमाल के लिए बता दिया, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली, अदरवाइज एसीपी इज मोर इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, अगर अल्फा कोई भी ऐसा रियल नंबर है और एस कोई भी आर का सबसेट है, इन दोनों में एक रिलेशनशिप ये है कि डेल्टा फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, जो मर्जी चूज कर लीजिए, दिस इंटरवल एस इज इनफाइनाइट, अगर ये हमेशा इनफाइनाइट रहेगा देन वी से अल्फा इज एन एसीपी या लिमिट पॉइंट, अगर आप वही बोलते रहे हो, यही कहा गया ना। तो इस केस में आपको यह देखना होगा कि और इसको करते कैसे, आपको क्लेम ही तो करना है ना। जैसे आपने एस एक सेट लिया, जो भी एक नंबर सेट मान लीजिए एस लिया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो वन क्यू, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। चलिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं, इन सबको खत्म करेंगे एक साथ ही। इसमें एस इज दिस सेट एक्स प्लस रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, और एक्स कहां से उठा रहे हैं हम, जीरो वन इंटरसेक्शन क्यू और एन नेचुरल नंबर है। बताइए सेट के बाउंड, सुप्रीमम, इनफीमम और इसके एडीपी और एसीपी, अगर जितने हम समझे हैं आपने बता पाएंगे ना। यूज आर की मीडियन प्रॉपर्टी, यूज आर की मीडियन प्रॉपर्टी। सेट देखो, समझ में आ रहा है, सेट कुछ नया नहीं है, इन सब को ढूंढने के लिए सब देखो, ये सब फील करो कहां कहां है कैसे। जाने अनजाने एक बहुत अच्छा सेट बन गया, ये जो x है ना कहां है x, जीरो नहीं, और क्या है जो ऐड कर रहे हैं वो क्या नंबर है, रूट एन प्लस माइनस रूट एन। इट इज ऑलवेज इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल होता है
है ना, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन इज ऑलवेज इरेशनल, दैट इज ऑलवेज रैशनल. रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है. तो एस किसका सबसेट हो गया, जीरो वन इंटरसेक्शन क्यू, उसका कॉम्प्लीट क्यू कॉम्प्लीमेंट. अच्छा उसी में रहेगा, उस जीरो वन के बीच में ऐड करने के बाहर नहीं निकलेगा. दिस विल रिमेन इन दिस. फाइंड आउट, फाइंड आउट ये बाउंडेड है कि नहीं, पहले ये बताओ ना बाउंडेड है कि नहीं है. सारी कहानी एक तरफ, वेदर इट इज बाउंडेड और नॉट. एक्स वेरी करेगा और एन वेरी करेंगे, इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे वो. जच्चा एक्स में जो ऐड करे तो उसको गुणा भाग कर लो, उसको देख लो हाउ मच यू आर एडिंग इन एक्स. सुप्रीमम, 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 वन वन बाई वन प्लस वन रूट टू. वन तो इसमें है ही नहीं, वन तो ऐड कर ही सकते, अब ओपन है वो. बट जो फर्स्ट टर्म ऐड कर रहे हो वन बाई रूट टू ऐड कर रहे हो. इज ऑलमोस्ट राइट. वन जो ऐड क्या कर रहे हो इसमें, थोड़ा सुंदर बना लोगे ना तो आपको तुरंत दिख लगेगा. x प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस रूट एन, कि नहीं. रैशनलाइज कर लिया. आज तक कभी कहीं देखा आपने कि रूट ए माइनस रूट बी लिखा, उसको आज रैशनलाइज किए बिना आगे बढ़ गए हो. When something root a minus root b something root minus something root अगर लिखा हुआ मिला है, अगला ट्राई तो हमेशा ये करते हुए ऐसा करके देखे क्या होता है. लर्न दिस ना कि whenever there is something of this form अगर लिखा हुआ है तो अगला स्टेप एक बार रैशनलाइज करना होता ही होता है. आप जब ये कहते हो सर हमको आ नहीं रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप ये देखो आपने किया क्या है, what you tried, what is the next step which you have written. तो कुछ तो स्टैंडर्ड्स होते होंगे ना कि इसके बाद तो ये लिखना चाहिए, ठीक है. तो n इक्वल टू जो 1 रखने पे आ रहा है वो प्लस 1 एग्जैक्टली, भले 1 उसमें शामिल ना हो बट उसके जितना चाहे उतना करीब पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं. n इक्वल टू, अब इसमें देखिए ना नंबर कैसे आएंगे, इसमें अल्फा प्लस 1 अपॉन रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन और n वेरी करता जाएगा, तो ऐसे बनते रहेंगे, बनते रहेंगे. यहां पर n इक्वल टू 1 पुट कीजिए, वन वन अपॉन रूट टू प्लस वन फॉर, है ना. अगला रखेंगे तो ये मेंबर है ना सेट का, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और छोटा होता जा रहा है तो ये कहां पहुंच रहे हैं, अल्फा की तरफ पहुंच रहे हैं. लाइक दिस अल्फा कैन बी टेकन एज क्लोज एज पॉसिबल टू वन. तो हम वन प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन, दिस इज अपर बाउंड और नॉट, दिस इज अपर बाउंड. Though it is not a member because one is not member. This is an upper bound and we can get s for all alpha. This is there or not. So we can get as close as possible to this number or not. The moment you subtract this, jaise aap kuch subtract karoge iske andar, kahan idhar aa jaoge aur one uske beech to fir se ye number aa jayenge. So this is supremum. Sup s equal to 1 plus 1 upon root 2 plus 1. Infimum. Infimum.
इनफिमम जीरो, इनफिमम एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो ना ये अल्फा प्लस वन अपॉन जो रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन है ना जो, अच्छा दिस इज लेस देन अल्फा प्लस वन अपॉन टू रूट एन, ले सकता हूं इसको, इसको मैं इसको मान लिया रूट एन तो छोटा हो गया, ये छोटा हो गया तो ये और बड़ा हो जाएगा, कंफर्म। तो इसको जितना चाहो उतना जीरो के ला सकता हूं मैं, इसको जो बीच चाहो तो इट कैन बी मेड एस लेस एस बी क्लोज, मतलब दिस कैन बी मेड एस क्लोज एस पॉसिबल टू जीरो, दिस कैन बी मेड एस क्लोज एस पॉसिबल टू जीरो, सो अल्टीमेटली कंफर्म। तो व्हाट इज सुप्रीमम इन, अब पूरे प्रोसेस में ऐसा तो नहीं था कि हमें सुप्रीम नहीं पता इनफीम नहीं पता, रह गई क्वेश्चन की बात, उसमें ढूंढना होगा आपको, ठीक है। पसंद में आ रही नहीं है कि ये इस सेट का इनफीमम दिस सुप्रीमम दिस, अच्छा बताइएगा इस सेट का इनफीमम सुप्रीमम और बाउंडेड है कि नहीं है। एस इक्वल टू वन प्लस माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन, वन माइनस एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, व्हाट इज सुप एस इनफीमम एस,